ये जो पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, योग भूमि है, कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो आज के दिन मैं कहूँगा कि हम में से हर व्यक्ति को शांत होकर, मन को स्थिर करके अपने आप से एक प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि हमारी यात्रा गुरुदेव के साथ जुड़ने की 50 दिन की रही हो या 50 वर्ष की रही हो, कितनी भी लंबी यात्रा रही हो, हम लोग अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जीवन यात्रा के क्षणों में थोड़ा अतीत को जाएं और उस पहले दिन का स्मरण करें जब पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला था। याद करके देखें कि उस दिन हमारे हृदय में भाव क्या उभरा था, हमारे मन की अभीप्सा क्या थी, हमारे जीवन का केंद्रीय लक्ष्य क्या था और हमारे अस्तित्व की मूल खोज क्या थी। यदि हम लोग अपने अपने जीवन की समीक्षा करके देखें, उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें जब हमारे हृदय में गुरुदेव ने आकर के आधिपत्य किया था, उस दिन का यदि हम लोग स्मरण करके देखें, आज चाहे कुछ भी बन गए, हम लोग प्रशासनिक दायित्व को संभाल रहे हों, हम लोग संगठनात्मक दायित्व को संभाल रहे हों, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी बन गए हों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को देखते हों, उपजोन को देखते हों, या किसी प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल को देखते हों, आज चाहे कोई सा भी दायित्व, कोई सा भी कर्तव्य हमारे पास हो, यदि हम लोग अपने उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें, तो हम लोग पाएंगे कि उस पहले दिन हमारे हृदय के अंदर एक ही आवाज़ उठी थी, और आवाज़ ये उठी थी कि जो साधना का पथ है, जो आत्मिक प्रगति का पथ है, उस पथ पर हमें उत्कर्ष मिल सके। जो अंदर की आवाज़ थी, जो अंदर की छटपटाहट थी, जो अंदर की बेचैनी थी, जो अंदर की पुकार थी, वो एक ही थी कि साधना के पथ पर आगे बढ़ने की चाहत। इसके बगैर पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ने का आधार क्या हो सकता है? जब इस युग के महानतम तपस्वी के साथ जुड़ने का एक अवसर हम लोगों को मिले, इस युग के विश्वामित्र के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिले, तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति अपने आप से पूछ करके देखे, जो यहाँ बैठा है, जो क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से इस बात को सुन रहा है, वो अपने हृदय में गहरे जा करके अपने आप से पूछने की कोशिश करे कि वो आवाज़ तो यही थी, वो चुंबक तो यही था जो हमें खींच करके गुरुदेव के चरणों में लेकर के आया, माता जी के पास खींच करके लाया, वही एक आवाज़ थी जिसने हमें उनसे जुड़ने के लिए बाध्य किया, विवश किया। और यदि हम लोग उस यात्रा पर ये सोच करके आगे बढ़ते हैं कि इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जिसको हम परम पड़ाव, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, माँ गायत्री, आदि शक्ति कुछ कह करके पुकारते हैं, उस यात्रा पर जब हम लोग आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को लेकर के चलते हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है कि यदि इस पथ पर हम लोग चलें तो हमारा पथ सही हो, हमारे प्रयास सही हो, हमारा प्रयत्न सही हो, हमारा पुरुषार्थ सही हो, हमारी प्रक्रिया सही हो, हमारी पद्धति सही हो। आदमी के मन में ये प्रश्न नैसर्गिक रूप से निकल करके आता है कि जिस पथ पर, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, साधनात्मक उत्कर्ष का जो पथ है, उस पथ पर बढ़ते समय हमारी प्रक्रिया तो ठीक होनी चाहिए। और इस संसार में दो ही तरह के साधक हैं, शिष्य हैं, जो साधना की अंतिम ऊंचाई को छू पाते हैं, जो सागर के अंदर अंतिम छोर पर जाकर गोता लगा करके आ पाते हैं। कौन से हैं? एक तरह के शिष्य तो वो हैं दोस्तों, जिनको हम बंदर के बच्चों की तरह से जानते हैं। बंदर के बच्चों को आप देखिए, वो एक बार अपनी माँ को पकड़ लेते हैं तो पकड़ छूटती नहीं, वो तीसरी मंजिल से नीचे को कूद जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, दो बंदरों के झुंड में लड़ाई हो रही हो, आप बंदर के बच्चे को देखिए, वो पकड़ छूटती नहीं। दूसरे, वो उन शिष्यों की तरह से होते हैं जिनके अंदर बिल्ली के बच्चे की तरह से भावना होती है। बिल्ली के बच्चे को देगी, एक बार म्याऊं म्याऊं करती है तो उसकी माँ कहीं पर भी हो, छत के ऊपर हो, कहीं हो, वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास चली जाती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि भगवान मिलते उन्हीं को हैं जिनकी या तो पकड़ मजबूत हो या पुकार मजबूत हो। या तो व्यक्ति की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि एक बार गुरुदेव का दामन थाम लिया है तो छूटने का प्रश्न उठता नहीं। जिंदगी में एक बार दे दिया, गुरुदेव कहते थे कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो नवविवाहिता दुल्हन की तरह से होता है, डोली पर चढ़ करके आती है और अर्थी पर चढ़ करके जाती है। एक बार गुरुदेव को हाथ दे दिया
तो अब दोबारा उस हाथ के छूटने का प्रश्न उभरता नहीं। और या फिर यदि गलती से हाथ छूट गया है तो पुकार मजबूत होनी चाहिए, या तो पकड़ मजबूत हो और पुकार मजबूत, और दोनों ही स्थिति में क्या जरूरी है कि पथ मजबूत, जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं वो पथ सही होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।